डन सर। साल ड्राई रहा मौसम, लेकिन फिर भी अच्छी हुई है। और अभी हम हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं। हमारे चीफ साहब ने हमारी बहुत मदद की थी, गेहूं का बीज हमें उपलब्ध नहीं हो रहा था, इन्होंने पता नहीं कहां से मंगवा के हमें दिया। और चलो जो भी है, आगे भी बोलना है हमारी मदद करते रहेंगे, और इसलिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। करोल के कितने किसान जो है आगे फेंसिंग आगे खेती बाड़ी कर रहे हैं? 8 किसान है जो अभी जिनकी है जमीन, 8 किसानों की है, और 8 किसान ही जो है वो खेती कर रहे हैं। कितनी पैदावार निकल रही है? पिछले साल भी आपने लगाई होगी? पिछले साल नहीं लगाई हमने, इस बार पहले साल लगाई है। और अपने चीफ साहब के मेहरबानी से जो भी है, उन्होंने बोला कि आप लगाओ, हम आपकी मदद करेंगे। और हमने सोचा भी चलो चीफ साहब की जुबान पे हमने काम शुरू कर दिया है, और आगे देखो क्या होता है। उतनी बुआई वगैरह भी नहीं हुई थी खेती की, अभी आगे साल अभी हम चालू कर दी है, तो आगे के लिए शुरू करेंगे। अभी इसमें हम उड़द वगैरह बीजेंगे, दालें लगाएंगे। और चीफ साहब से हमने बोला है कि कोई हमारी दाल शाले का बीज वगैरह भी उपलब्ध करा दें, तो हम लगाएंगे, इसमें कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहा है? बहुत सपोर्ट कर रहा है, जितनी सपोर्ट इन्होंने की है शायद कोई नहीं करता। और आज हार्वेस्टिंग भी शुरू हो गया, किसानों को फायदा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक नई पहल स्टार्ट की गई थी बॉर्डर पे सोइंग की, तो उसी का अब जो गेहूं की फसल लगाई गई थी तकरीबन 250 एकड़ में, उसका अब हार्वेस्टिंग का समय आ गया है। तो उसी की हार्वेस्टिंग की आज शुरुआत की गई है, और इससे हमारे जो बॉर्डर के किसान हैं उनको भी लाभ मिलेगा। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बढ़ाया जा सके आने वाले समय में, ताकि इस ज़मीन का भी प्रयोग किया जा सके। पहले पीछे कुछ एरिया था, काफ़ी एक्सपेंशन हुआ, कितना एरिया आगे और लेके जाने चाहते हैं? मैं वही बता रहा हूँ, जैसे हमने शुरुआत की थी तकरीबन 100 एकड़ से, अब हम 250 एकड़ तक आ गए हैं। कोशिश वही है कि आगे बढ़ते हुए समय के साथ जितना हमारे पास एरिया अवेलेबल है, जो भी किसान खेती जहाँ कर सकते हैं उस पूरे एरिया को कवर किया जाए, और कोशिश वही होगी सीज़न दर सीज़न उसे बढ़ा सकें। तो इन फ्यूचर में किसानों के लिए किस प्रकार के रहेगा पूरा ये एक्सपोर्ट, जो पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन और BSF देती जा रही है, तो आगे किस प्रकार इनको मिलता रहेगा? देखिए, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है बॉर्डर पे। BSF तैनात है, BSF के लिए सिक्योरिटी कंसर्न होता है, उसको एक तरह देखना होता है, और साथ ही साथ जो किसानों की ज़मीन है उसको हम किस प्रकार उनके लिए प्रोडक्टिव बना सकते हैं उसको देखना होता है। BSF अपना काम कर रही है, जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है, किसान हमको पूरा सहयोग दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि यही आगे भी बरकरार रहेगा। प्रशासन की ओर से किसानों को किस तरह की मदद दी जा रही है? कृषि विभाग द्वारा, कृषि और अलाइड सेक्टर्स द्वारा अभी बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं। अभी आप वैसे जानते हैं 24 तारीख को किसान संपर्क अभियान भी स्टार्ट किया गया है, HADP का प्रोग्राम है, जिसमें 4 महीने तो सबसे पहले खाली संपर्क अभियान ही किया जाएगा। किसानों को एक अभियान के माध्यम से बताया जाएगा कि जो एक कमेटी के माध्यम से, मंगला राय कमेटी के माध्यम से जो प्लान बनाया गया अगले 5 सालों का कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उन्नति लाने के लिए जम्मू कश्मीर में, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, किसानों को कैसे जोड़ा जाए, जो आय दुगनी करने का सरकार का सपना है उसको कैसे साकार किया जाए, उस पर काम हो रहा है। और अलग अलग कंपोनेंट्स में, चाहे वो इंप्लीमेंट्स हों, चाहे वो खाद हो, बाकी कंपोनेंट्स हो, सभी में सरकार की तरफ से समर्थन दिया जा रहा है। थैंक यू। ये सब तरफ से किस प्रकार से ठीक है? थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।